किसानों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार उनके लिए 2022 में बड़ा ऐलान करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की माने तो किसान क्रेडिट कार्ड सभी किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में भी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार फरवरी 2020 में सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लाने का अभियान चला रही है। नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक विशेष रूप से पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 के लाभार्थियों पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चालू कारोबारी साल के लिए 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का लक्ष्य तय किया गया है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पहले ही दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय योजनाओं का फायदा सही किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया। तोमर ने सभी संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपालों और प्रशासकों से कहा कि केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन उचित तरीके से होना चाहिए और इसमें पैसे की कमी अड़चन नहीं बननी चाहिए। बता दें कि इस कृषि क्रेडिट कार्ड से खेतीबाड़ी से जुड़े कामों के लिए सस्ती दरों पर लोन मिलता है। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराती है। लोन पर वैसे तो ब्याज 9% है, लेकिन इस पर 2% सब्सिडी मिलती है। इससे लोन पर सिर्फ 7% ब्याज देना होता है। अच्छी बात यह है कि अगर लोन समय से पहले अदा कर दिया जाए तो ब्याज में 3% तक की छूट और मिल जाती है, यानी कुल ब्याज 4% ही देना रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।